कृष्णचंद्र की अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है वह परमहंस मुनीन्द्रों की अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में परम भक्ति प्राप्त करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद में पहला अध्याय कलयुग के राजवंशों का वर्णन श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन यदवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें नवमी स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहस्त्र के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय, उसके मंत्री का नाम होगा सुनक, वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्युत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्युत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाख रूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्युत वंश में यही पांच नरपति होंगे, इनकी संख्या होगी प्रद्युतन, ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा, शिशुनाग का काकवर्ण उसका क्षीम धर्मा और क्षीम धर्मा का पुत्र होगा क्षित्रज्ञ, क्षित्रज्ञ का विधिसार उसका अजात शत्रु फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा, अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे, ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंद की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक का पुत्र होगा, वह बड़ा बलवान होगा, महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा, तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक चित्र शासक होगा, उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे, वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिन्य वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उसका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसारी का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस, सुयस का संगत, संगत का शालिशुक और शालिशुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का सतधनवा और सतधनवा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 133 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शंख, वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुष्येष्ट होगा, सुष्येष्ट का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंगवंशी नरपतियों का राज्य काल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंगड़ वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा, उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्व वंश के ये 4 नरपति कांड्यावन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा एक शूद्र सेवक होगा, बलीब है, अंध्र जाति का
एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिविलक होगा। चिविलक का मेधस्वाति, मेधस्वाति का अडमान, अडमान का अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा वीर होगा, शत्रुओं का दमन करेगा। विवस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेधशिरा, मेधशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविक्य और लोमधीम। परीक्षित ये 30,456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। हे परीक्षित, इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्धवी और 16 कणंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 कुरुण्य और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1,099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्य काल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद की वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशुनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सबके सब वाहिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र सुमित्र का राज्य होगा। परीक्षित वहीकवंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्ति। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और भद्र आदि मलिच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। हे परीक्षित, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्राय सूत्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र की ध्वजों का और मलिच्छों का राज्य होगा। हे परीक्षित, ये सबके सब राजा आचार विचार में मलिच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब पहले सिरे के झूठे आधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाए करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो उन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के विष में वे मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खूब चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो,
श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद में दूसरे अध्याय कलयुग के धर्म का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तर उत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट करेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम ना होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसकी गुण स्वभाव से नहीं यज्ञोपवीत से हुआ करेगी।